हे गाइस, वेलकम बैक इन विषय ऑफ साइंस। आपके इस विषय ऑफ साइंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा कि ये चैनल जो है साइंस सब्जेक्ट की स्टडी के लिए बनाया गया, जो कि क्लास 8 से क्लास 12 तक की फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के हर एक चैप्टर्स को काफी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाएगा। ओके, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप हमारे साथ अपडेट रहें, और हाँ, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का पार्ट 2 चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देख लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, पार्ट 1 जो था वो इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए बनाया गया था, जो कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन को बताता है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आपको इस टॉपिक से ही पता चल रहा होगा कि आज हम लोग एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस के बारे में जानने वाले हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट आवर दिस चैप्टर। टिल 10,000 BC पीपल वेर नोमैडिक, दे वेर वांडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। मतलब 10,000 BC तक लोग नोमैडिक थे, मतलब वे घुमंतू थे, वे आदिवासी थे। दे वेर वांडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वे ग्रुप्स में, एक समूह में, एक जगह से दूसरे जगह खाना और आवास के लिए, मतलब अपने घर के लिए तलाशते थे। ओके, कहने का मतलब कि वे जो थे उनके पास स्थायी घर नहीं था, वे घर के लिए और भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह ग्रुप्स में, समूह में घूमा करते थे। ओके, दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वे कच्चे फल और कच्चे सब्जियां खाया करते थे। ओके, और अगर उन्हें कहीं जानवर दिख गया तो वो उनका शिकार कर लेते थे, उनका वो मांस खाते, उनके जो चमड़ा होता था उसका अपना वस्त्र बनाते, उनके दांत और सिंग अगर होते उस जानवर के पास तो उससे वे अपना विपन्न बनाने के लिए काम लाते। ओके, मतलब जो आदिवासी थे, मतलब नोमैडिक पर्सन्स थे, जो घुमंतू लोग थे, वे कच्चे फल खाया करते थे और कच्ची सब्जियां खाया करते थे, और जरूरत पड़ने पर जानवरों का भी शिकार किया करते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। बाद में उन्होंने कल्टिवेट लैंड को कल्टिवेट करना शुरू किया, मतलब खेती करना शुरू किया, और राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन शुरू किया। ओके, मतलब उनको कृषि करने का भी तौर तरीके मालूम नहीं थे 10,000 BC तक। ओके, ना ही उन्हें खाना बनाने का कोई मेथड मालूम था। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, तब जाकर बाद में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का जन्म हुआ था। ओके, मतलब कि वे नोमैडिक पर्सन ही थे जो अपने फूड एंड शेल्टर के सर्च में उन्होंने एग्रीकल्चर का बॉर्न की एग्रीकल्चर को बॉर्न किया था। सो ये चैप्टर क्रॉप्स पे ही आधारित है, इसलिए हमें क्रॉप्स के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। क्रॉप्स होते क्या है? तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप हम उसे कहते हैं जब एक ही प्रकार का पौधा, मतलब सेम काइंड, एक ही प्रकार का पौधा अगर एक जगह पर लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, कल्टीवेटेड किया जाता है, तो उसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। ओके, मान लिया जाए कि कहीं एक खेत है, ओके, कहीं लैंड है, वहाँ पे हमने एक ही प्रकार के पौधे को उगा दिया, लाइक वीट को उगा दिया। ओके, और उसकी देखभाल करके हमने उसको कल्टीवेट करके हमने उसके मैनेजमेंट करके उसको उगाते हैं, तो हमारा क्रॉप कहलाता है। क्रॉप ऑफ वीट मीन्स डेट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर डेट ऑफ वीट। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जो हमने अभी बताया वही लिखा हुआ है। क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो क्रॉप्स होते हैं उनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सीरियल्स मीन्स अनाज, जो भी अनाज आ गए, दाल भी आ गए अनाज के अंतर्गत, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो भी है वो भी क्रॉप्स का ही डिफरेंट टाइप्स हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया जो एक वास्ट कंट्री है, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ओके, जो इंडिया है वो वास्ट कंट्री है, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अलग अलग है, जैसे यहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एक रीजन से दूसरे रीजन में बदलते रहता है। मान लीजिए कि केरला में कुछ और है तो बिहार में कुछ और होगा,
वैसे ही मध्य प्रदेश में कुछ और होगा, सब जगह पे क्या होगा कि अलग अलग टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगा एंड रेनफॉल होगा। और आपको पता है कि क्रॉप जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके, देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब मैं आपको ही पहले बताया कि क्रॉप जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, जिस जहाँ का जैसा कंडीशन होगा क्लाइमेटिक का, वैसे ही उस रूप में वहाँ का जो खेती होता है वो किया जाता है। ओके, मतलब अगर बिहार में कुछ और खेती की जा रही है तो मध्य प्रदेश में कुछ और की खेती की जाएगी, केरला में कुछ और की खेती की जाएगी उस टाइम, बिकॉज उस टाइम जो हुआ है एक ही टाइम में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होंगे अलग अलग राज्य में अलग अलग रीजन में। ओके, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी थ्री ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर इन सब डाइवर्सिटी के कारण जो है वो थ्री ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाइड है, मतलब तीन ऐसे ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जिन्हें हम लोग उगाते हैं। पहला है हमारा खरीफ क्रॉप्स। ओके, खरीफ क्रॉप्स होते क्या है, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई बच्चा ये बताओ कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, मतलब वैसे फसल जो बरसात के मौसम में बोए जाते हैं उसे हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, जो रेनी सीजन है बरसात के जो मौसम है वो जून से लेकर सेप्टेम्बर तक होते हैं इंडिया में। ओके, जनरली पैडी मेज सोयाबीन ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, ये जितने भी एग्जांपल आपने देखे ये सारे एग्जांपल खरीफ क्रॉप्स के हैं। और हम लोग रबी क्रॉप्स के बारे में जानते हैं, तो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। ओके, वैसे फसल जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, और विंटर सीजन इंडिया की जो होती है वो अक्टूबर टू मार्च होती है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट ग्राम पी मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सारे एग्जाम्पल है याद रखिएगा। ओके, हम लोग पढ़ते हैं जायद क्रॉप्स के बारे में, जो हमारे लास्ट क्रॉप्स पैटर्न है। द क्रॉप ग्रोन इन समर सीजन आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स, वैसे क्रॉप जो समर सीजन में उगाए जाते हैं मतलब गर्मियों के मौसम में उगाए जाते हैं उसे हम लोग जायद क्रॉप्स कहते हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल पता हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अभी तो हम लोग फिलहाल जान लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर वेजिटेबल्स पल्सेस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें साइंस को पढ़ने में कोई कठिनाई महसूस ना हो, बिकॉज ये जो चैनल है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग में और काफ़ी इजी मेथड में पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।